जब भी हमारा बेडशीट्स खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इस तरह के पिलो कवर्स बच जाते हैं। क्या आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे पिलो कवर्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस तरह से आप बनाकर घर पर यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता रथ। वेलकम बैक टू सुनीता रथ वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने एक पिलो कवर लिया है जो डबल क्लॉथ के होते हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग होता है जनरली, तो इसको पड़े रहने से अच्छा इसको हम ना वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे आप देखा है कि इसको मैंने 4 फोल्डिंग्स कर दिए है और इसको जो है ना मिडिल से इस तरह से हमने इसको फोल्डिंग कर दिया है, और अब ये दोनों साइड जो है ना इसको हम इस तरह से ले आएंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है आप वीडियो देखकर। अब ये दोनों साइड से हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसके जो है ना दोनों साइड इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है, और जो नीचे का पार्ट है उसको बिना यूज़ किए उसको खाली रहने देना है, और ऊपर की तरफ से आपको इस तरह से पकड़ के ना इसको यहाँ पर स्टिच लगानी है। चाहे आप मशीन से लगा सकते हैं या फिर हाथ से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं हाथ से स्टिच करने वाली हूँ, मेरे पास मशीन नहीं है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये जो गैप से इसको हमने ना स्टिच करना है। चाहे आप इसमें मैचिंग कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, आपको अच्छे से ये दिख पाए कि मैं कहाँ से स्टिच किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, मैंने दोनों तरफ वहाँ पे स्टिच कर दिया है, और यहाँ पे भी इस तरह से फोल्डिंग करके ना यहाँ पे भी हमने स्टिच कर देनी है जैसे ऑपोजिट साइड में किया था। अब हमने जो भी हैंगर आपके पास अवेलेबल है उसको आप ले सकते हैं, प्लास्टिक हो, स्टील हो, कुछ भी, और यहाँ पे आप स्टिच लगा सकते हैं। बट मैं इसको जब भी गंदा हो तो धोने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सेप्टिक पिन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर क्लॉथ्स जो ड्राई करने के लिए क्लॉथ क्लिप्स पैक्स होते हैं ना, वो पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो टाइट रहता है तो। देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरह से लगा दिया है हैंगर, और मैंने सेप्टिक पिन लगा दिया है, तो मैं जब भी चाहूँ तो इसको खोल के ना फिर वॉश करके दोबारा इसको यूज़ कर सकती हूँ, या जब भी चाहे आप किसी और काम के लिए यूज़ करना चाहो तो एज ए पिलो कवर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड की तरह ना मेरे पास स्पीड का एक बॉक्स रखा हुआ था, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा स्ट्रांग भी है और अच्छा है, अंदर की साइड वाइट भी है, बाहर का कलर है, जैसे आप रखना चाहो तो इसको रख सकते हैं। मैं आपको देखिए, ये कितना अच्छे तरह से एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है चोरस वाली, और इसमें आप चाहे कुछ भी क्लॉथ रख सकते हैं। यहाँ पे रख के भी आपको दिखा रही हूँ, और जो वर्टिकल स्पेस है ना आपका वार्डरोब का आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे भी इस तरह से कपड़े रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।